एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड मैं बी ए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से, और मैंने आपको जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अंडर और उसके बाद जो है अंडरस्टैंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो BCC4 है आपका, जो पेपर नंबर कौन सा है 4, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम एवं भाषा, उसमें से मैंने बहुत से लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, अपलोड करा दिए। उनको नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से कोरिलेट होता है। जिस तरीके से बीएड का सारा सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट होता है, उसी तरीके से आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन क्लासरूम इंटरेक्शन। यानी कि क्लासरूम इंटरेक्शन में लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो स्टूडेंट का होता है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से प्रभाव डालता है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहला वाला जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है उसमें लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट के जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, किसमें, क्लासरूम इंटरेक्शन में, उस पर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस इन क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन में ये सारी चीजें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, और क्लासरूम इंटरेक्शन यानी कि ये देख सकते हैं आप, कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया का प्रभाव, कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया का प्रभाव किस तरीके से होता है, उन सारी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वो सारे पॉइंट जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो जो किस तरीके से आपके क्लासरूम में अंतःक्रिया में प्रभावित करते हैं, यानी कि इंटरेक्ट करते हैं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होता है। क्लासरूम इंटरेक्शन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में होने वाले इंटरेक्शन यानी कि अंतःक्रिया जो होता है, ये अंतःक्रिया मनोवैज्ञानिक ने, यानी कि आपस में जो मामले होते हैं बोलने के, सवाल पूछने के, पढ़ाने के, ये जो तरीका होता है ये मनोवैज्ञानिक ने इस टीचर के व्यवहार को, स्टूडेंट के व्यवहार को कक्षा के अंदर में किस तरीके से लेक्चर जो है प्रभावशाली होगा, किस तरीके से जो है बच्चों टीचर के जो लेक्चर है वो किस तरीके से लेक्चर जो है ज़्यादा प्रभावशाली होगा और किस तरीके से उसके व्यवहार को जांचा जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, किसका, टीचर जो पढ़ा रहा है किस तरीके से पढ़ा रहा है, किन किन चीज़ों को और ज़्यादा बदलना चाहिए, उसके व्यवहार में, टीचर के व्यवहार में किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए, उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, किसमें, क्लासरूम इंटरेक्शन में। क्लासरूम इंटरेक्शन का मतलब होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो भी मामले होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, चाहे वो पढ़ाने के हो, चाहे वो लेक्चर की विधि के हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के हो, वो सारे जो इंटरेक्शन होते हैं उसी इंटरेक्शन की बात होती है यहाँ पर। और इस पेपर के, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट के बारे में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अलावा टीचिंग लर्निंग में भी पूछा जा सकता है, और उसके अलावा जो ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि UGC नेट का जो पेपर होता है उसमें, उसके पाठ्यक्रम में, उसके करिकुलम में भी ये चीजें इंक्लूड है। अब आप ये समझिए कि क्लासरूम इंटरेक्शन जो है आपने समझ लिया, कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया आपको आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि क्लासरूम इंटरेक्शन में जो बहुत बड़ी थ्योरी है, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो है, फ्लैंडर ने एक थ्योरी दिया है, देखिए फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ठीक है, फ्लैंडर अंतःक्रिया विश्लेषण, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है। और ये कब दिया इन्होंने, फ्लैंडर ने 1955 से लेकर के 1960 तक, ये जो थ्योरी चलती है 1960 तक चलती है, और इसमें जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो कब हुआ, 1959 में हुआ, ठीक है। इन्होंने जो है अपने दोस्तों के साथ में मिनेसोटा वीवी जगह पर इन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा डेवलप किया। और ये जो फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी है वो किस चीज पे बात करता है, ये बात करता है कि कक्षा कक्ष में, है ना, जो व्यवहार करता है टीचर, जो तरीका अपनाता है टीचर, जो बच्चों और क्या कहते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो घटनाएं होती है वो क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किस तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी, फ्लैंडर ने ये एक इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी दिया जिसके बिहाव पर ये समझा जाता है कि एक टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से इंटरेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से एक दूसरे को कोरिलेट करना चाहिए। ये जो है इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी इसी चीज़ की डिस्कस करता है और इसी चीज़ को खोज करता है कि टीचर का बिहेवियर किस तरीके से है, इसी पर ऑब्जर्व करता है, इसी पर रिसर्च करता है। इन्होंने जो है एक ये जो है मैट्रिक्स टेबल भी बनाया हुआ है थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब ये समझिए कि ये जो थ्योरी है, अब हम उस थ्योरी को पढ़ते हैं, कौन सी थ्योरी को, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है।
इतना आपने समझ लिया फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस की जो थ्योरी होती है, वो थ्योरी किस पर डिस्कस करता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी मामले हो रहे हैं कक्षा में, उन सारी चीजों पर ये डिस्कस करता है, और ज्यादातर जो है टीचर के बिहेवियर पर, वर्बल बिहेवियर पर ये डिस्कस करता है, क्योंकि ज्यादातर वर्बल बिहेवियर ही होता है आपके क्लास में। ठीक है, अब देखिए कि फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस थ्योरी होती क्या है, कितने कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैटेगरीज ऑफ फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस, ठीक है, इसको तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है, और उन तीन कैटेगरीज में कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। पहला जो पॉइंट होता है आपका टीचर टॉकिंग, है ना, टीचर टॉकिंग, अध्यापक कथन, अध्यापक कथन में जो है एक पॉइंट, ये जो होता है पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, यानी कि अनुभूति स्वीकृत करना, यानी कि बच्चा जो कोई चीज बोल रहा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद है आपका प्राइजिंग या इनकरेजिंग, यानी कि आपका प्रशंसा करना, बच्चा अगर कोई आंसर दे रहा है तो टीचर को चाहिए कि वो उसका प्रशंसा करे। उसके बाद एक्सेप्टिंग आइडियाज, यानी कि विचार स्वीकार करना, जैसे कि बच्चा कोई विचार, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा, बच्चा कोई विचार दे रहा है तो टीचर को पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि उसके विचार को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, ये जो है टीचर को प्रश्न पूछना चाहिए जिससे कि वो अनुभव लगा सके कि बच्चा कितना सीख रहा है आपके लेक्चर से। उसके बाद जो है आपका, ये था आपका इनडायरेक्ट टॉक, ये जो होता है इसमें टीचर टॉकिंग में ये इनडायरेक्ट टॉक होता है, और इसमें जो है एक होता है डायरेक्ट टॉक, ठीक है, प्रत्यक्ष। जो पांचवा पॉइंट होता है ये होता है लेक्चर, ठीक, यानी कि भाषण, टीचर यहाँ पर भाषण देता है, गिविंग डायरेक्शन देता है, उसके बाद जस्टिफाइंग एंड क्रिटिसाइज भी करता है, जस्टिफाई यानी कि आलोचना भी करता है और क्रिटिसाइज भी करता है, ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। और ये दूसरा पॉइंट है पुपिल टॉक, पुपिल टॉक का मतलब होता है वो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है बैठा हुआ है सीखने के लिए, वो किस किस तरीके से चीजें करता है। पर इसमें जो आठवां पॉइंट होता है वो होता है रिस्पॉन्डिंग टू टीचर, यानी कि बच्चे को टीचर को आंसर करता है वो बच्चा, है ना। उसके बाद होता है इनिशियल टॉकिंग, इनिशियल टॉकिंग का मतलब होता है कि प्रारंभिक कथन, प्रारंभिक कथन जो होता है वो नवा पॉइंट होता है। और उसके बाद लास्ट और दसवां पॉइंट होता है अदर इवेंट, अदर इवेंट में क्या होता है वो होता है साइलेंस आर कंफ्यूजन, ठीक है, साइलेंस आर कंफ्यूजन। अब ये समझिए, ये जो दसों चीजें हैं ना, ये दसों चीजें, दसों एलिमेंट आपको याद होना जरूरी है। अगर आपने ये दसों चीजें याद नहीं किया तो फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस आपको समझ में नहीं आएगा, और ये जो आपका है मैट्रिक्स टेबल, ये टेबल भी आप कभी बना नहीं पाओगे, ठीक है, ये जो चीजें हैं आप टेबल उसको कभी नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आपको ये सब चीजें याद होना चाहिए, ये सारी चीजें जब आप याद कर लोगे तो बहुत आसानी से आप टीचर के जो बिहेवियर है, वर्बल बिहेवियर है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने चाहा था इसमें दो तीन वीडियोस प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि इतनी आसानी से एक वीडियो में ये सारी चीजें नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि वीडियोस अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करो तो बच्चे ये कहते हैं सर इतने सारे वीडियो है कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक ही वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूं। ये समझ में आ गया फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस होती क्या है, ये समझ में आ गया। फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस के कैटेगरीज कितने हैं, 10, तीन भागों में बांटा गया, जिसको तीन कैटेगरीज है, जिसके एलिमेंट कितने हैं, 10 है, और वो 10 एलिमेंट जो है टीचर के वर्बल बिहेवियर में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, वो मैंने बता दिया कि ये 10 आपको याद होना जरूरी है, अगर ये याद नहीं होंगे तो आप फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस को समझ नहीं पाएंगे और ना ही इनके मैट्रिक्स टेबल को बना पाएंगे। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज को, देखिए इसमें दो चीजें अप्लाई होती है, एक होता है एनकोडिंग और दूसरा होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग में वो सारी चीजें देखा जाता है कि किस तरीके से कोई चार्ट है, किस तरीके से चार्ट बनेगा, किस तरीके से क्या कहते हैं कि उसमें टैलीज लगाया जाएगा, है ना, नोट डाउन किस तरीके से किया जा सकता है, जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जैसे कि क्लास में टीचर आ रहे हैं तो टीचर, जब टीचर आते हैं तो क्या होता है वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, तो ये देख सकते हो आप, या तो वहां पर क्या कहते हैं कंफ्यूजन बनी होती है, या फिर क्या होता है मौन, मौन होता है, मौन यानी कि चुपचाप बैठे हुए हैं, या तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है ना, इन सारे एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए ये मैट्रिक्स टेबल, क्या कहते हैं, टेबल बनाया जाता है। मैट्रिक्स टेबल में क्या क्या चीजें होती है, अब ये समझो कि आपके क्लास में या फिर आप एक टीचर हो तो आप पढ़ाने जा रहे हो, तो पढ़ाने जब जा रहे हो तो पहला जो यहां पर देख सकते हो कि ये टेबल किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये टेबल किस तरीके से बनता है, डिकोडिंग में एनकोडिंग, डिकोडिंग आपने समझ लिया कि जो सामने में चीजें हैं आपका उसको किस तरीके से आप बनाएंगे, और ये जो होता है आपका एनकोडिंग, एनकोडिंग पहले इसको एनकोडिंग जो होता है वो किस तरीके से आप इसमें एनकोड करेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि ये जो होता है 10-10 पॉइंट यहां से यहां तक होता है, इसको कॉलम कहते हैं, इसको रॉ कहते हैं। ठीक है, अब जो है सारी एक्टिविटीज, सपोज दैट के आपका क्लास जो है वो 20 मिनट का है, और एक बात याद रखना,
इस थ्योरी में हर 3 सेकंड पे या 5 सेकंड पे टीचर का वर्बल बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, 3 से 5 सेकंड में, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि एक मिनट में कितने हो जाएंगे, कितने बार हो जाएंगे, 20 बार हो जाएंगे, और अगर 20 मिनट का क्लास है तो 400 बार हो जाएंगे। ये क्या कहते हैं, एलिमेंट अप्लाई किया जाएगा। अभी मैं आपको जितना समझा पाता हूं उतना समझ लीजिए, ये सारी चीजें बहुत दूर तक जाता है, बस इसको समझ लीजिए। आप देखिए, सपोज दैट कि आप एक टीचर है जो पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जब वो टीचर आता है क्लास में, टीचर जब क्लास में आते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर कम टू क्लास, जब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए आपके क्लास में, तो क्लास का व्यवहार कैसा होता है, या तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा होता है, तो अगर शोर शराबा हो रहा है या फिर वहां पर क्या कहते हैं मौन रखा हुआ है, साइलेंस भी है, तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये दसवां, ठीक है, दसवां पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये जो दसवां पॉइंट है, यहां पर रॉ के लेवल लाइन में आकर के दसवां पॉइंट में क्या, पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो याद किया हुआ है ना, ठीक है, इसको समझिए पहले। टीचर कम टू क्लास, ठीक है, जब क्लास में आते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बनी रहती है, तो कंफ्यूजन कौन सा नंबर पे आता है, ये देखो यहां पे कंफ्यूजन जो है दसवें नंबर पे आता है, तो यहां पर हम 10 लिख देंगे। उसके बाद में जो है टीचर क्या, बच्चा क्या कहता है, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग जो होता है नवे पॉइंट, ठीक है, गुड मॉर्निंग जो होता है यानी कि इनिशियल टॉकिंग, यहां पर जो है प्रारंभिक जो है टॉकिंग शुरू हो रहा है, तो कितने नंबर पर आएगा, नवे नंबर पर आएगा, तो यहां पर 9 लिख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, आपका आंसर बाय टीचर, टीचर उसका आंसर करेगा, तो ये जो टीचर जब आंसर करेगा तो कितने नंबर पर आएगा, गिविंग डायरेक्शन, यानी कि आंसर भी करेगा और डायरेक्शन भी देगा, ओके बच्चे बैठ जाओ, बच्चे डायरेक्शन दिया उसको, तो ये 6 नंबर आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर आने के बाद में फिर उसके बाद क्या होगा, आस्क टू ओपन बुक, और टीचर क्या कहेगा कि चलो बच्चों अब अपना क्वेश्चन बुक निकालो, क्वेश्चन बुक लिखो, तो ये क्या हुआ, ये भी कहां जाएगा, ये भी 6 नंबर पे जाएगा, क्योंकि टीचर जो है अपना डायरेक्शन दे रहा है कि बच्चे चलो अपनी किताब निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से 6 नंबर पर आएगा। उसके बाद में देखिए आप क्या कहते हैं कि आस्क ओपन टू बुक, बुक खोलने के लिए कहा, उसके बाद आस्क क्वेश्चन, टीचर ने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछा। अब देखो जो क्वेश्चन पूछने का है वो कहां पर जाता है, ये देखो आस्किंग क्वेश्चन, ये टीचर वाला है, टीचर टॉकिंग के खाने में आता है, ये बात भी याद रखना, ये टीचर टॉकिंग के खाने में आता है, ये पुपिल टॉकिंग के खाने में आता है, और ये लास्ट वन जो अलग खाने में आता है, ठीक है। तो ये देखो यहां पर क्या हुआ कि टीचर ने जब क्वेश्चन पूछा ये कितने नंबर पर चला गया, 4 नंबर पर, आस्किंग क्वेश्चन है, यहां पर 4 लिख दिया। उसके बाद में आप ये भी ध्यान रखें कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन को एक ही नहीं होगा, वो जितनी देर तक चलेगा उतने देर तक आपका ये मार्किंग भी आगे बढ़ता रहेगा, जैसे 4 4 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आंसर एनीवन, किसी स्टूडेंट ने उसका क्या किया, आंसर दिया, तो किसी स्टूडेंट ने अगर उसको उसका जो है आंसर दिया हुआ है, तो क्या कहते हैं आंसर किसमें चला जाएगा आपका, ये देखो आप 8वें नंबर पर चला जाएगा, आंसर दिया रिस्पॉन्डिंग टू टीचर, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट ने जब रिस्पॉन्ड किया तो आंसर दिया, तो ये 8वां नंबर, तो यहां पर 8 लिख दिया, तो आंसर एक ही नहीं होगा, आंसर और भी होगा, तो यहां पर 2 बार यहां पर 8 लिख दिया है। उसके बाद में क्या होता है, आंसर मिलने के बाद में है ना प्राइजिंग, यानी कि टीचर जो है उसकी प्रशंसा करता है, तो ये प्राइजिंग करना, जब टीचर प्राइजिंग करेगा यानी कि प्रशंसा करेगा, तो कितने नंबर पर चला जाएगा, देखो यहां पर प्रशंसा कहां पर है, ये देखो प्राइजिंग, तीसरे नंबर पर आपका जो है एक्सेप्टिंग आइडियाज और प्राइजिंग जो है यहां पर, ये तीसरा नहीं होगा, ये दूसरा नंबर चला जाएगा, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर चला जाएगा। उसके बाद प्राइजिंग करने के बाद में क्या आएगा, लेक्चरिंग, यानी कि टीचर जो है अब जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करेगा, तो लेक्चर देखिए कितने नंबर पर जाता है आपका, ये देखिए यहां पर 5वें नंबर पर यहां पर लेक्चर आ जाएगा। ये समझ में आ गया, यहां पर ये जो है ये जो टेबल है ये समझ में आ गया। अब इसका जो है हम पेयरिंग कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से दो 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 मिला करके पेयरिंग कर लेंगे। अब इसको मैट्रिक्स टेबल में सजाएंगे, इस टेबल को इस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए ये 10वां पॉइंट है, 10वें में 9वां जो जहां पर होगा, जैसे ये 10वां है ना, यहां पर 10 है, तो ये 10 यहां पर आकर के यहां पर दूसरा जो इसके साथ पेयरिंग है वो 9 है, तो यहां 10वां पर जो है 9 नंबर पर जो होगा यहां पर एक ये लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 9वें में 6, तो यहां पर जो है 9वें में ये देख सकते हैं आप, 9वें में 6, 6 यहां पर एक ऐसे करके लगा देंगे। उसके बाद क्या है आपका 6 में 6, ठीक है, 6 में 6 यहां पर एक लगा देंगे, फिर से एक 6, फिर से एक बार लगा देंगे, ठीक है, फिर 6 में 4, तो ये देख सकते हैं आप 6 में 4, 4 कहां पर है, यहां पर 6 में जो है चौथा जो है कहां पर जाएगा, ये देखिए आप चौथा 2 बार है, तो यहां पर 2 बार लगा देंगे, 3 बार है तो 3 बार कर देंगे, यानी कि ये जो चीजें जितनी बार चलेंगी वैसे ही इसको उतारते चले जाएंगे। ये जो है आपका लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, जितने मिनट होते जाएंगे उतना ज्यादा, जैसे कि 400 800 500 ऐसे और भी ज्यादा दूर चले जाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है बहुत दूर चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहां पर एक पॉइंट होता है योग्य का, है ना, उसके बाद होता है प्रतिशत का, तो योग्य का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट होंगे
देखेंगे ना, यहाँ पर जितनी भी कन्वर्सेशन हुआ है, जितनी भी क्या कहते हैं वर्बल बिहेवियर हुआ है, उन सारी चीजों को यहाँ पर टोटल कर देंगे। जैसे कि इनको अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर पर 0 हुआ है, 2 नंबर पर 0 हुआ है, 3 नंबर पर 1 हुआ है, 4 नंबर पर 3 कन्वर्सेशन हुए हैं। तो ये सारी चीजों को काउंट करके यहाँ पर कम टोटल कर देंगे। और उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे योग में, और जितने यहाँ इस लाइन से इस तरीके से हुए हैं उनको टोटल कर देंगे और उसके बाद में प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, तो ये था आपका फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस थ्योरी, जो के क्लासरूम इंटरैक्शन में अप्लाई किया जाता है, और इसी के आधार पर टीचर के बिहेवियर को, वर्बल बिहेवियर को देखा जाता है, टीचर ने कितना सक्सेसफुली अपना लेक्चर प्रोवाइड किया है और बच्चों ने उसको कितना समझा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट होगा, किसी तरह की कंफ्यूजन होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।